हेलो दोस्तों, आज हम हैंडमेड एप्पल पाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एप्पल सिरप चाहिए, इलायची चाहिए, किशमिश चाहिए और सिनेमन पाउडर, शुगर और मैदा और बटर, और इसके साथ थोड़ा सा मिल्क, दो मीडियम साइज एप्पल, लेमन चाहिए, बटर मदर डेरी का, वनीला एसेंस और मैदा डालेंगे हम पहले 7 चम्मच। ये डो की शुरुआत कर रहे हैं, डो बनाएंगे हम पहले, और इसके साथ 3 चम्मच हम शुगर के ऐड कर देंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर डाल देंगे। उसके बाद पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, और इसके बाद मिल्क डालने के बाद इसे अच्छे से गूंद देंगे, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। और 2 मीडियम साइज एप्पल लेंगे, कट कर देंगे और छीलेंगे, अंदर के सब दाने बाहर निकाल देंगे और इस तरह से चॉप कर देंगे अच्छे से, और उसमें किशमिश ऐड कर देंगे और 2 चम्मच टीस्पून हम सिनेमन पाउडर डाल देंगे, और इसके बाद मेपल सिरप हम 3 चम्मच डालेंगे इसमें, और 3.5 टेबल स्पून शुगर, और वनीला एसेंस 1/2 स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 स्लाइस लेमन के ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, और 4 पीस कर्नल के लेके इसे अच्छे से चॉप करके इस पर डाल देंगे, और 4 टेबल स्पून रेड क्रम ऐड कर देंगे। और अब डो की बारी है, डो लेते हैं जो हमने फ्रिज में 10 से 15 मिनट रखे थे, और उसे इस तरह से बेल देंगे अच्छे से, और इस पर हमने जो मिक्सर बनाया था उसे ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए, उतना ही लेंगे हम, और अच्छे से साइड साइड से अच्छे से दबा देंगे इसको, और इसमें हम इसको लुक देने के लिए साइड से थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे कुछ इस तरह से, और इस तरह से डिज़ाइन देना बहुत ही आसान है और लुक भी अच्छा लग रहा है इसका, और इससे हम अच्छे से कांटे से इसमें होल कर देंगे और एग योग लगा देंगे इसको मैं अच्छे से ऊपर से, और इसे 250 डिग्री में बेक कर देंगे, और बेक होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा आपका हैंडमेड एप्पल पाई, और इसे हम